और इसी बीच एक ताजा अपडेट आपको दे दें, जहां पर मध्य प्रदेश में कितना वोटिंग प्रतिशत हुआ है। 1 बजे तक का जो रुझान है 44.64% यहां पर वोटिंग अभी तक हो चुकी है मध्य प्रदेश में। अब चूंकि 11 बजे जो रुझान सामने आए थे वो कम थे, लेकिन 1 बजे तक का जो रुझान सामने आ रहा है वो काफी सुखद लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। 44.67% वोटिंग 1 बजे तक हो पाई है और अभी भी पोलिंग बूथों के बाहर लोग इकट्ठा हुए, मतदाता पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि जहां पर शाम 5 बजे तक वोटिंग हो रही है वहां पर वोटिंग का प्रतिशत अच्छा खासा पहुंच जाए। मध्य प्रदेश में 1 बजे तक में 44.14% से ज्यादा वोटिंग हुई है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी वोटिंग प्रतिशत ठीक है, 46.14% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। और चूंकि छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जो कि संवेदनशील हैं और वहां पर हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में वोट करने के लिए मतदाता पहुंचते हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, गर्मी के लिहाज से अच्छी खासी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मतदाता को गर्मी में या धूप में परेशान ना होना पड़े। कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं और ऊपर शीट लगाई गई है ताकि सीधे धूप उन पर ना पड़े, कोई चक्कर ना खाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि जो मतदान कर्मी हैं उनकी भी सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेहत का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो देखिए ललित, यहाँ पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे और बात कर रहे थे, शिवम जी बहुत बड़े दावे कर रहे थे कि हमने क्या क्या इतने सालों में उपलब्ध करवा दिया, यहाँ पर हमने ना जाने कितने एयरपोर्ट बनवा दिए लेकिन किराया दुगना कर दिया, ये उन्होंने नहीं बताया है। पानी का उन्होंने जिक्र किया कि नल जल योजना के तहत सब जगह पानी पहुंच रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़